आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के इस लेक्चर सीरीज में आज हम इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन और लीगल रिप्रेजेंटेटिव इन दोनों ही टॉपिक से डील करेंगे। अक्सर एडीआर के पेपर में इन दोनों ही टॉपिक से शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रेम होते रहे हैं, तो इसलिए आज हम इन दोनों ही टॉपिक से डील करेंगे। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन और लीगल रिप्रेजेंटेटिव ये दोनों ही टॉपिक्स के जो कॉन्सेप्ट हैं वो ना केवल आपको क्लियर हो जाएंगे बल्कि याद भी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। देखो, जब हमने टाइम्स ऑफ आर्बिट्रेशन को पढ़ा तो हमने ये जाना कि बेसिकली आर्बिट्रेशन के 8 टाइम्स है। देर आर 8 टाइम्स ऑफ आर्बिट्रेशन। और ये आर्बिट्रेशन क्या है? तो इट इज बेसिकली अ मोड ऑफ एडीआर। ये एडीआर का एक मोड है जिसके तहत हम अपने डिस्प्यूट को विदाउट अप्रोचिंग द कोर्ट, कोर्ट के आउटसाइड यानी कोर्ट के बाहर सेटल करा सकते हैं। तो आर्बिट्रेशन बेसिकली एडीआर का एक मोड है। और ये जो आर्बिट्रेशन है ये कुल 8 टाइप्स के हो सकते हैं। एडहॉक आर्बिट्रेशन, कॉन्ट्रैक्चुअल आर्बिट्रेशन, इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, फॉरेन आर्बिट्रेशन। तो ये जो इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन है ये बेसिकली आर्बिट्रेशन के 8 काइंड्स में से एक है। इट इज अ काइंड ऑफ आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 का जो सेक्शन 2F है इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन को डिफाइन करता है। क्या कहता है सेक्शन 2F, आइए समझते हैं। इट स्टेट्स दैट इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन मीन्स एन आर्बिट्रेशन रिलेटिंग टू डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ लीगल रिलेशनशिप वेदर कॉन्ट्रैक्चुअल और नॉट। देखो, जब हमने इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन को जाना तो हमने ये समझा कि इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन बेसिकली एक आर्बिट्रेशन है जिसका यूज करते हैं पार्टीज अपने बीच डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने में, जो डिस्प्यूट उनके बीच अराइज होता है बिकॉज ऑफ लीगल रिलेशनशिप वेदर कॉन्ट्रैक्चुअल और नॉट। और ये जो आर्बिट्रेशन होता है इट टेक्स प्लेस आउटसाइड इंडिया इन एनी कंट्री अदर देन इंडिया। तो वो क्या है? इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन है। तो इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन का मतलब है एक ऐसा आर्बिट्रेशन जिसका यूज किया जाता हो पार्टीज के बीच जो डिस्प्यूट अराइज हुआ है बिकॉज ऑफ लीगल रिलेशनशिप, फिर चाहे वो रिलेशनशिप कॉन्ट्रैक्चुअल हो या नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल हो, उसे हम कॉमर्शियल तब कहेंगे जब अंडर लॉ इन फोर्स इन इंडिया वेयर एटलीस्ट वन ऑफ द पार्टीज। सिंपल, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन को हम इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन तब कहेंगे
जब दोनों ही पार्टीज में से यानी जिनके बीच डिस्प्यूट अराइज हुआ है उन दोनों ही पार्टीज में से कोई एक क्या हो पहला एन इंडिविजुअल हु इज नेशनल ऑफ अ कंट्री अदर देन इंडिया या रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री अदर देन इंडिया दूसरा बॉडी कॉर्पोरेट विच इज इनकॉर्पोरेटेड इन एनी कंट्री अदर देन इंडिया यानी एक बॉडी कॉर्पोरेट जिसका रजिस्ट्रेशन इंडिया के आउटसाइड किसी अदर कंट्री में हुआ हो तीसरा कहता है एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स जिसका सेंट्रल मैनेजमेंट और कंट्रोल एक्सरसाइज किया जाता हो किसी दूसरे कंट्री में अदर देन इंडिया और लास्ट कहता है गवर्नमेंट ऑफ अ फॉरेन कंट्री। तो अगर ये चार कंडीशंस इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में आ जाते हैं तो उस इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन को हम कहेंगे इंटरनेशनल कॉमर्शियल आर्बिट्रेशन। क्लियर? चलो दूसरा है लीगल रिप्रेजेंटेटिव सेक्शन 2G ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 लीगल रिप्रेजेंटेटिव को डिफाइन करता है और ये कहता है अ पर्सन हु इन आई ऑफ लॉ एक पर्सन जो लॉ की नज़रों में या कानून की नज़रों में रिप्रेजेंट करता हो पहला ई स्टेट ऑफ डिजीज्ड पर्सन यानी जो पर्सन मर गया है हु इज नॉट लिविंग उसके ई स्टेट को उसके संपत्ति को रिप्रेजेंट करता हो वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। दूसरा हु इंटर मेडल्स विथ ई स्टेट ऑफ डिजीज्ड जो मृतक व्यक्ति के संपत्ति में दखलंदाजी करता हो हु इंटर मेडल्स इन द ई स्टेट ऑफ डिजीज्ड वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उस डिजीज्ड पर्सन का। और तीसरा हु एक्ट्स इन अ रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर वो क्या है लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। तो कोई भी पर्सन जो इन आई ऑफ लॉ रिप्रेजेंट करे ई स्टेट ऑफ डिजीज्ड पर्सन दूसरा हु इंटर मेडल्स विथ ई स्टेट ऑफ डिजीज्ड और तीसरा हु एक्ट्स इन अ रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर कैन बी कॉल्ड एज लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिजीज्ड पर्सन दिस हैज बीन गिवन अंडर सेक्शन 2G ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996। अब एक केस है हमारे पास कस्टोडियन ऑफ बैंको कस्टोडियन ऑफ बैंको अल्टा मारिनो कस्टोडियन ऑफ बैंको अल्टा मारिनो वर्सेस नालिनी बाई द टर्म पार्टी हैज बीन डिफाइंड इन न्यू आर्बिट्रेशन एक्ट ऑफ 1996
parties to an arbitration dispute are called claimant or respondent instead of plaintiff and defendant in civil suit. So basically, custodian of Banco Alta Marino versus Nalini Bhai में ये कहा गया कि जो दो parties हैं जिनके बीच legal relationship होने की वजह से कोई dispute arise हुआ है, उन दोनों ही parties को हम claimant और respondent कहेंगे, ना कि plaintiff and defendant जैसा कि हम civil suit में करते हैं. तो parties of arbitration means claimant or respondent, not plaintiff or defendant like in civil suit. यही कहा गया इस particular case में. तो ये थे दो small topics, international commercial arbitration और legal representative और एक case law, जिसे हमने आज के इस lecture में समझा. आई होप कि ये जो दो टॉपिक्स हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे. तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे.